सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन अभी जो 820 किए सिलेंडर, उसके बाद अगर इलेक्शन जीत गए मोदी, सीधा डायरेक्ट 1200 कर देंगे। ना मोदी आए ना योगी आए, यूपी में योगी ने भी नहीं आए और ना मोदी आए इंडिया दिल्ली में। महंगाई तो तब से बहुत है, जब से मोदी बैठल हैं तब से। अच्छा। ऐसा क्या लग रहा है जो बहन जी के साथ हो? बहुत किया। हाँ, अरे शादी विवाह नहीं किया, हम लोग के लिए लड़ती है वो, हैं तो हम लोग पीछे चल जाएं, क्यों जाएं? रेलवे भी जो है बेच दिए हैं सब लोग, और मतलब शिक्षा को भी प्राइवेटीकरण कर देंगे। और ये बोल रहे हैं ना कि 400 पार, अगर 400 पार हो गया तो संविधान को जो हमारे बाबा साहब बनाए हैं हम लोग के लिए वो ख़त्म कर देंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के वादा किया था मोदी जी ने, वो भी नहीं हुए, और काला धन को सफ़ेद धन उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, जितने वादे हुए सारे झूठे निकले। यहाँ का जो माहौल है BSP की तरफ है। और ये सरकार में तो कोई इज्जत नहीं रह गया आदमी का, वो अपने ही लाठी लेके तैयार हैं। अभी उनके साथ भाई उनकी सत्ता है, उनका सरकार है, उनके साथ कोई बरिया ही करने जाए तो उठा के बंद कर देंगे। स्कॉलरशिप तो सर बिल्कुल, जो सरकार इतना घोटाला कर रही है ST SC वालों को, इसमें सर लगभग हमको लगता है 40% जो मेरे जान पहचान के लड़के लोग हैं बिल्कुल नहीं आई उनकी स्कॉलरशिप। एक बदलाव का और अधिकार जो मेरा इंडिया गठबंधन है उसके ओर मेरा झुकाव जाएगा सर। कि BJP वाले हैं जो भाषण देते हैं, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बस खाली राम मंदिर, जहाँ से देखो वहाँ से राम मंदिर। सीसीए का चुनावी सफ़र अभी आजमगढ़ लोकसभा सीट के गांव जोखरा में पहुंच चुका है। यहां हम अभी जो है दलित समाज के बीच में हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव की अगर आप बात करें, यहां पर 25 मई को मतदान होना है। यहां से प्रत्याशियों की अगर बात करें, 2014 और 19 में यहां पर 14 में जो है मुलायम सिंह यादव जी यहां से सांसद थे, और जो है 2019 में अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते, जो कि एक भारी जीत से जो है भारी मतों से यहाँ से जीते थे। लेकिन जब UP चुनाव हुआ उसके बाद जो है विधानसभा में जो है अखिलेश यादव जी पहुँच गए, और उसके बाद उपचुनाव हुआ है 2022 में, उपचुनाव हुआ था जिसमें दिनेश लाल निरवा जो कि BJP से है उन्होंने यहाँ पर जो है धर्मेंद्र यादव को जो है कुछ छोटे मार्जिन से हराया था। हम जोखरा में आज जो है दलित समाज के बीच में है, इनसे चुनाव के बारे में बात करके इस बार जो है चुनाव को लेकर उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम? शशि जायसवाल। अच्छा, जायसवाल। क्या करते हो? छोटी मोटी दुकान है मुंबई में। मुंबई में? यहाँ हमारा घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, घूमने फिरने आए हैं। गांव के ही हो रहने वाले? हाँ, यहीं के हमारा गांव के हैं। अच्छा। कैसे रहे 10 साल मुंबई में भी और यहाँ भी, दोनों तरफ? पहली बात तो कुछ फर्क नहीं हुआ, इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। और दूसरी बात यह है कि GST लगने से छोटे मोटे धन जो व्यापारी थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, और जो यूपी के नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। कितने मतलब पढ़े लिखे, अब ये थोड़ी ना कि पढ़ लिख के BMA करके डिग्री करके डिप्लोमा करके भैया थोड़ी तलने का है। मोदी बोले थे ना एक बार पकौड़े बनाओ, क्यों आप भी तो बनाओ। और दूसरी बात यह है कि अभी आर्मी का 4 साल का कर दिए हैं, बस चार ये किसानों को 2000 मिल जाता, बस उसी में पब्लिक खुश हो जाती है कि 2000 किसान का मिल रहा है, हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है उसमें भी जनता खुश जा रही है, अनाज मिल रहा है। लेकिन अभी जो 820 किए सिलेंडर, उसके बाद अगर इलेक्शन जीत गए मोदी सीधा डायरेक्ट 1200 कर देंगे। उम्मीद है 24 में? उम्मीद है 400 कर देंगे, 1200 कर देंगे। और ये बोल रहे हैं ना कि 400 पार, अगर 400 पार हो गया तो संविधान को जो हमारे बाबा साहब बनाए हैं हम लोग के लिए वो ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि न मोदी आए न योगी आए, यूपी में योगी ने भी नहीं आए और न मोदी आए इंडिया दिल्ली में। आप कब से मुंबई में काम करते हो? हम तो मुंबई में, हमारा जन्म वहीं हुआ है। अच्छा। तो छोटी मोटी दुकान हमारी है। अच्छा। तो सुरक्षा के मामले में कैसी है ये सरकार अगर बात करें? ओवरऑल कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी भी कहता है कि 1 किलो गहना रात को कहीं भी स्कूटी पे निकल जाए कोई भी नहीं छीनेगा। ऐसा नहीं है यूपी और दिल्ली में, ऐसा नहीं है यहाँ, मतलब लड़कियाँ मतलब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हमें मुंबई में 12-1 बजे तक जब लड़कियाँ काम पर के आएंगे वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन यूपी हुआ दिल्ली हुआ बिहार, वहाँ लड़कियाँ मतलब सुरक्षित नहीं होती हैं। दावे सब खोखले हैं, दावे बिल्कुल खोखले हैं। अरे रही बात योगी की, वो बोलते हैं ना हम सन्यासी हैं, अगर सन्यासी होए तो जाके हरिद्वार में राम राम करें कि भाई कुर्सी की मोह माया करते हैं।
मोदी के एक नीति है, फूट करो राज करो, डालो राज करो, ये अंग्रेज की तरह। अगर वो मेरे सामने भी रहेंगे ना तो भी मैं यही बोलूंगी कि आप अंग्रेज की नीति अपना रहे हो। वो तो कह रहे कि मोदी जी अगर भाई कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी संपत्ति मुस्लिमों में बांट देंगे। ये बताइए, कोई भी मेरे देश का प्रधानमंत्री 4 करोड़ 5 करोड़ का सूट नहीं पहने थे, वो पहनते हैं 1.5 लाख की बॉल पेन यूज करते हैं, इतनी महंगे गाड़ी में घूमते हैं, 500 करोड़ का साल का उनका सुरक्षा गार्ड वाले लेते हैं, कोई अपने इंदिरा गांधी तक भी नहीं यूज किए, ना राजीव गांधी यूज किए हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं परिवारवाद बोलते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा है ना पंकज सिंह, और रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, वो भी है, बाकी लोग के बच्चे भी इसी में हैं। आपने सुना कभी बीजेपी के बच्चे आर्मी में जाते हैं? किसी भी नेता के बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन एक गरीब माँ का बेटा आर्मी में चला जाएगा, इसलिए आर्मी को 4 साल का बंद कर देना चाहिए। मैनिफेस्टो में कह भी रही है कांग्रेस। अच्छा, आप यहाँ वोट डालने आए हो या वैसे ही घूमने आए हो? वोट हमारा बम्बई का है। अच्छा, बम्बई का है। तो आपका परिवार है यहाँ पे? तो मम्मी डैडी है। अच्छा, किधर जा रहे हैं इस बार चुनाव में? मैं तो चाहती हूँ कि बसपा जीते। बसपा? अच्छा, लेकिन आप तो ओवरऑल इंडिया गठबंधन को जिता रहे, कांग्रेस गठबंधन गठबंधन में तो ही नहीं वो। लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए यहाँ, भाजपा नहीं आनी चाहिए, आजमगढ़ का दिनेश नहीं आना चाहिए बस। अच्छा, आजमगढ़ में दिनेश नहीं, वो नहीं आना चाहिए। मुंबई की बात करी, वहाँ पे भी सत्ता पलटी है और गठबंधन टूटा है बना है, तो फिलहाल तो इस बार क्या देख रहे हो वहाँ चुनाव में? पैसे दे के विधायक को खरीदते हैं। अच्छा, तो लोकसभा में क्या देख रहे हैं इस बार वहाँ चुनाव में, मतलब बीजेपी मजबूत रहेगी या गठबंधन? मैं तो चाहती हूँ गठबंधन ही। आसपास जो लोग हैं आपके वो क्या कह रहे हैं? ये लोग ये सोचते हैं कि बस इंडिया गठबंधन आए। अच्छा, सब क्योंकि बीजेपी सब बोर हो गए हैं। अच्छा, अभी देखो जो मोबाइल का रिचार्ज 200 में होता था, अब कितना 240 में होता है, हर चीज़ पर GST लगा दिए हैं। और मोदी जी जो सिलेंडर फ्री दे रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा? कहाँ फ़ायदा हो रहा है, नहीं, वो बस बोलते हैं जो है ना उनकी स्मृति ईरानी कौन है, स्मृति ईरानी, वो बस उनका बस एक ही ये है राहुल गांधी, मोदी का एक ही ऑप्शन है राहुल गांधी, बस राहुल गांधी के वैसे पीछे पड़े रहते बस। अच्छा, भी एक आपके ही पास में हाथरस में एक घटना हुई थी जो दलित लड़की के साथ जो हुई था, तो उसको कैसे थे? मुंबई में, लेकिन ये गलत हुआ था, जो अपराधी थे उन्हें छोड़ दिए लोग। तो ऐसे कैसे सेफ रह पाएगी महिला? वो दावा करते हैं कि महिलाएं सेफ है यूपी में। वो महिलाएं जो अपराधी थे ऊंची जाति के थे, अपने उच्च जाति का योगी भी है, धमकी देते थे लोग उनके परिवार को, तो कहाँ से इस बार इंडिया गठबंधन जिता रहे हो आप? चाहते भगवान से। अच्छा, कि वो बस इंडिया गठबंधन जीते। आपका नाम? लीला। अच्छा, क्या करते हो? दुकान चलाते हैं। अच्छा, कैसे रहे पिछले 10 साल दुकान चला रहे हो, महंगाई कैसी रही? महंगाई तो तब से बहुत है जब से मोदी बैठल है तब से। अच्छा, हाँ, क्या क्या दिक्कत हो रही है वैसे दुकान चलाने में? आपको चलाती हो दुकान चलाने में तो दिक्कत बहुत है, जो उधार ले लेते हैं तो जल्दी देते नहीं हैं, और फिर सामान आने जाते हैं तो वहाँ पर उधार मिलता नहीं है बिना पैसा का, जितनी पैसा मिलता देते हैं उतनी सामान मिलता है। हाँ, तो ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही है। और घर के खर्चे की अगर बात करें उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हो? घर में भी आप ही सब करते हो? हाँ, पति हैं, जुड़ाई वाला काम करते हैं, 4 लड़का है। अच्छा, जो GST वगैरह लगी थी आप पे भी फर्क पड़ा है उस चीज़ का? जो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, पहले कहाँ वोट किया था आपने पहले? हाँ, 2019 की अगर बात करें, 14 की अगर बात करें? मायावती बहन को, मायावती जी को, अभी भी मायावती को। अच्छा, अभी भी दे रहा हूँ। हाँ, वो तो जीत जाएंगे लगता है आपको? जीत जाए ना जाए, हमारे बिरादर हैं, हमारे बहन हैं। ऐसा क्या लग रहा जो बहन जी के साथ हो? बहन जी के जैसे कि उनके साथ बहुत बुराई हुई। अच्छा, उनका जैसे कि लुग्गा उग्गा फट गया, ब्लाउज, वो अकेले लड़ाई लड़ी, हम सब लोगों के लिए लड़ी। अच्छा, उसके लिए नहीं मैं लड़ सकता हूँ? जो उन्होंने संघर्ष किया, वो जो संघर्ष किया आप उस वजह से उनके साथ हो? हाँ, आप लोगों के लिए संघर्ष किया? हाँ, बहुत किया।
हाँ, अरे शादी विवाह नहीं किया, हम लोग के लिए लड़ती है वो, हैं तो हम लोग पीछे चल जाएं, क्यों जाएं जी। नमस्कार जी। हाँ सर बोलिए। आपका नाम? वीरेंद्र प्रसाद। क्या करते हो? हम सर शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, शिक्षा मित्र है जी जी। कैसे रहे शिक्षा मित्रों के लिए? सर जब से यहाँ बीजेपी की सरकार है तो उसे बहुत मतलब संकट में हम लोग दिन बीत रहे हैं। अच्छा। बीजेपी की सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं, कोई भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। शिक्षा मित्र का समाज में सर 2014 में हुआ, अखिलेश जी की सरकार थी, और उसके बाद जो है दूसरे चक्र का जो है 2015 में चयन हुआ। इसके बाद मामला जो है चला गया हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में 2017 में जो है जुलाई में जो है हम लोग का समाजवन रद्द हो जाता है। सरकार के द्वारा जो है रद्द कराया गया सुनियोजित ढंग से, और जो है इससे हम लोग जो है तब से हम लोग लड़ ही रहे हैं अपनी मांग को जो है। हम लोग जो है सब लोग बीए पास हैं और बीटीसी भी किए हैं, टेट भी क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन जब से सरकार आई है शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए अलग से जो है अपना एक फिर सुपर टेट ला दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को वेटेज मिला था अधिकतम 25 अंक, तो इसके लिए कि अब इनको वेटेज का लाभ ना मिल पाए, और इसलिए जो है सुपर टेट ला करके हम लोग को बाहर कर दी। इस तरह की पॉलिसी क्यों सरकार ला रही है शिक्षा मित्रों के लिए, रोक दिया है चीज़ें? अब सरकार की नीति है, सरकार जो है जो चाह रही वो कर रही है, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जी, क्योंकि यह जो है नीति जो है शिक्षा मित्र की जो है नीति, यह जो है बीजेपी सरकार ही लेकर आई थी, और उन्हीं से यह जो है शिक्षा मित्र जो है जन्म लिए, और उन्हीं की सरकार में जो है उनको जो है जब 40,000 रुपये मिलते हैं तो वह जो है अनट्रेन टीचर हो जाते हैं, और जब 10,000 सरकार देती है तो ट्रेन टीचर माने जाते हैं उनको, ठीक ना। काम उतना ही हम लोग करते हैं विद्यालय में, उतना ही समय देते हैं, समय से जाना समय से आना, बच्चों के साथ जो है अच्छा से जो है पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन सरकार की क्या नीति है क्या चाहती है यह जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है जी। अच्छा, सरकार के बहुत सारे जो है जो फिलहाल सत्ता में सरकार है वो लोग भाषण दे रहे हैं कि मैं 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए, हो सकता है क्योंकि जैसे रेलवे भी जो है बेच दिए हैं सब लोग, और मतलब शिक्षा को भी प्राइवेटीकरण कर देंगे। अच्छा, बाकी गांव का रुझान क्या लग रहा है देखने में? उसमें वैसे यहाँ हमारे लग रहा है बसपा यहाँ हमेशा ज़्यादा वोट पाती है हमारे गांव से, इक्का दुक्का वोट जो है अन्य पार्टियों को जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बसपा को ही वोट करते हैं। इस बार तो कैंडिडेट भी बदल दिया, गुड्डू जमाली थे पहले जो काफ़ी मजबूत, यहाँ से जो माने गए हैं, तो उनका कुछ फ़र्क होगा? उनका टिकट काटा गया, मतलब वो इस बार सपा में चले गए, उसका कुछ फ़र्क होगा? फ़र्क मतलब हम लोग के वोट से उनका नहीं कोई फ़र्क होगा। अच्छा। मुस्लिम वोट जो है वो हो सकता है उनको फ़र्क अच्छा, पड़े। हाथी देखते हैं। हाँ जी जी जी। भाई साहब आपका नाम? सिरकेश कुमार। क्या करते हो? और यही दिहाड़ी मजदूरी का कार्य। क्या काम करते हो दिहाड़ी मजदूर का? डेली बाहर काम करते हो यहीं गाँव वाँव में? गाँव में। अच्छा, गाँव में। अच्छा, कैसे रहे पिछले 10 साल? क्या मजदूरी वजदूरी में बढ़ोतरी हुई? नहीं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है पिछले 10 सालों में। 2014 से देखा जाए तो जब से केंद्र की सत्ता में बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर महंगा होता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित वंचित समाज के लोग कहीं ना कहीं उससे छूट रहे हैं, और लोकतंत्र में सारे लोगों को समान अधिकार है, जो कि सारे लोगों को शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, ये लोकतंत्र है, सभी का समान अधिकार है जी। तो अभी कहा कि रोजगार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार सत्ता में आई थी तो 2 करोड़ नौकरी वो कह रहे थे कि हम देंगे हर साल 2 करोड़। झूठे वादे थे। कहाँ 2 करोड़ मिले? स्मार्ट सिटी बनाने के वादा किया था मोदी जी ने, वो भी नहीं हुए, और काला धन को सफ़ेद धन उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, जितने वादे हुए सारे झूठे निकले। तो कहीं ना कहीं लोग रुष्ट हैं, परेशान हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव हो। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल, और अच्छी सरकार आए जो सारे लोगों को समरसतापूर्वक ध्यान दे। अच्छा, बदलाव के लिए भी 2 ऑप्शन है यहाँ पे, अगर बात करें BSP है और जो है साइकिल वादी है, BSP समाजवादी, BJP है, तो ज़्यादातर मतलब ये है कि
देखा जाए इतिहास को, तो बीएसपी की जो सत्ता रही है, शासन प्रशासनिक नीति बहुत बेहतर ढंग से, सारे लोगों के कार्य भी अच्छे चले, रोजगार भी मिले, तो ज़्यादातर लोग जो है बीएसपी को ही चाहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बीएसपी को चाहते हैं। यहाँ का जो माहौल है बीएसपी की तरफ है। पहले कहाँ वोट किए थे आप? पहले भी बीएसपी में हम लोग करते थे। बीएसपी में ही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जो ये बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के कि भाई हमें अगर 400 पार लाने आ गए तो हम संविधान बदल देंगे, तो क्या मानसिकता इसके पीछे है, क्यों ये इस तरह के भाषण दे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं है जो संविधान के जो हक अधिकार है लोगों से एक दूसरे के साथ जो छीना झपटी हो रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाए। उसमें बहुत संशोधन तो हो ही रहे हैं। हमारा संविधान इतना बेहतर संविधान है जो कि विश्व में किसी भी संविधान से भी बेहतर है, लेकिन फिर भी जो संशोधन से जरिए परिस्थिति के अनुसार हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहा भी जा सकता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आरक्षण और जो हमारे अधिकार हैं उनको ख़त्म करने के लिए चीज़ें लाई जा रही है। बिल्कुल, जब प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें प्राइवेटलाइजेशन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आरक्षण हमारा ख़त्म ही है। आपका नाम? नरेश। क्या करते हो जी? मैं खेती बाड़ी गुरु चुहा। आपको भी आवारा पशु परेशान कर रहे हैं क्या जो सुनने में आ रही है? वो तो भाई दुनिया से ही परेशान है, हम लोग भी परेशान है। खेती बोए तो लाठी लेके वहाँ जा खेती खेती रह के जमा हो रहे हो। सबसे आदमी से ज़्यादा परेशान चौगा कर रहे हैं, और ये सरकार में तो कोई इज्जत नहीं रह गया आदमी का, वो अपने ही लाठी ले कर तैयार हैं। कौन? अरे मोदी सरकार और कौन। अच्छा, उनके आदमी खुद ही लाठी ले रहे हैं। हाँ, अभी उनके साथ भाई उनकी सत्ता है, उनके सरकार है, उनके साथ कोई बरिया ही करने जाए तो उठा के बंद कर देंगे। अच्छा, डरा रहे? अब भाई डराएंगे ना। अच्छा, किसानों को सम्मान निधि भी मिल रही, वो आपको भी मिल रही है? किसी को नहीं सम्मान मिल रहा है, किसानों को नहीं। सम्मान निधि जो मिलती है 2000 रुपये 6 महीने में जो मिलता वो मिलता है। तो भरपाई हो जाती है जो नुकसान करते हैं वहाँ? भरपाई होगा। अच्छा, कोई चीज़ में भी भरपाई नहीं। आज खेती में काम करने जाइए, खाद है उसका भाव बढ़ा दिए, गेहूँ है उसका भाव बढ़ा दिए, हर चीज़ का भाव बढ़ ही गया, तो किसान करेंगे तो क्या करेंगे, इसी में परेशान है सब। अच्छा, जो कह रहे थे भाई किसानों के लिए हमने बिजली भी फ्री कर दी बहुत सारी, कुछ नहीं फ्री। अच्छा, बिजली भी नहीं फ्री हुई? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनको क्या हम लोग मानता देंगे। चुनाव में क्या देख रहे हैं इस बार? चुनाव तो अपना पहले से हाथी है, वही में रहेंगे। अच्छा, हाथी भाई हो। दूसरी तरफ नहीं जा रहे इस बार? क्या जरूरत है दूसरे तरफ जाने के लिए? जो अपने कुल्हाड़ी से गोड़ काट रहे हैं वो लोग, तो क्या दूसरे तरफ जाने का? चलो, ऐसा भी कट रहा है ऐसा भी कट रहा है, चलो ठीक है जी। भाई साहब, आपका नाम? चंदन कुमार नाम है। चंदन कुमार जी, क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया हूँ मैं। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हो। शिक्षक है, तुम्हें कैसे रहे काम पिछले 10 सालों में? सर जहाँ तक मैंने देखा है सर, जो काम का स्तर काफ़ी गिरता गया है, प्राइवेटाइजेशन जब से बढ़ती गई है, तो हमारी जो सरकार है सर स्टूडेंट के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही है। सर जो सर रोज़गार के बारे में कह के आई थी कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ठीक है, तो सर बिल्कुल सर दिक्कत है सर ज़्यादा। अच्छा, स्कॉलरशिप भी सुने में आया, एसएससी वाले भी ख़त्म कर दे उसको, कितने बच्चे जो है उससे मतलब अगर नहीं मिल रहा तो पढ़ाई भी छोड़ो, तो कितने हैं आपके उसमें जो नहीं पढ़ पा रहे उस वजह से? सर स्कॉलरशिप तो सर बिल्कुल जो सरकार इतना घोटाला कर रही है एसटीएससी वालों को, इसमें सर लगभग हमको लगता है 40% जो मेरे जान पहचान के लड़के लोग हैं बिल्कुल नहीं आई उनकी स्कॉलरशिप। इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो क्या बच्चे घर बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई कर रहे हैं सर, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे जो समाज के लड़के हैं सब काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर है, जो स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से उनको बाहर जा के कमाना खाना पड़ रहा है सर, पढ़ाई उनकी बिल्कुल ख़राब जा रही है, बिल्कुल ख़राब। अच्छा, अभी यूपी पुलिस के फॉर्म भी निकले थे, तो उसमें आप अप्लाई किया था? जी सर अप्लाई किया था, काफ़ी हमारे गाँव के लड़के क्वालिफाई कर रहे थे, अच्छे नंबर से आ रहे थे, उनके क्वेश्चन मिला जाए तो काफ़ी सही थे सब, लेकिन अंत में पता चलता है कि पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, जिससे काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। नौजवानों में गुस्सा है इस बार, रहेगा बना रहेगा या 14-19 में जुमले के सुन के वोट कर दिया था एक तरफा? नहीं, नहीं सर,
ऐसा है कि हम लोग भी, हम युवा हैं सर, 2014 का वोट 2 करोड़ रोजगार पे ही मेरा बीजेपी पे गया था सर। गया था कि क्योंकि सर 2 करोड़ रोजगार हम लोग देख के गए थे कि क्या लगता है रोजगार के बारे में, कह के आ रही है सरकार, कुछ सोच रही है हमारे बारे में। लेकिन इस समय सर बदलाव का माहौल है सर, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव क्यों कर रहे? कह रहे कि भाई देश में छवि तो बहुत बढ़िया बना दी मोदी ने, देश में जानने लगे भारत को, पहले कोई जानता नहीं था। सर जो हमारा देश है सर, सोने की चिड़िया है सर, ठीक है, कहा जाता था पहले, अब पहले अंग्रेज सब चले गए लेके सब कुछ, तो ये भाई थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ। लेकिन देखा जाए तो जो हमारा देश का छवि है सर, जो मीडिया है सर, क्या कहे, मीडिया आप लोग भी हैं सर, जो जैसे दिखा रहा है वैसा ही हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, छोटा मोटा जो मीडिया दिखा रही है, वो बिल्कुल पॉइंट पर दिखा रही है सब कुछ, समाज देश में क्या हो रहा है, घर पर क्या हो रहा है। ऐसे तो बिल्कुल सर भी भैया अब मीडिया तो अब क्या कहें सर, गोदी मीडिया हो ही गया। अब स्टूडेंट भाई हैं सर, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, उनका नाम बड़े हैं, प्रवक्ते हैं, तो वो तो कहते हैं कि जो बेरोजगार हैं सर, वो अपने मर्जी से बेरोजगार है, जिसको कुछ काम करने नहीं आता है, जो कुछ नहीं है वो अपना अथी कर, मेहनत करेगा उसको नौकरी मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है उसको सर तो नौकरी मिल ही नहीं रही है सर, जो साइड से पैसे दे रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। अच्छा, आजमगढ़ में है 2 प्रत्याशी है, तो बदलाव किसकी तरफ देख रहे हो? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है बीजेपी पे तो आप नहीं जाओगे। बिल्कुल सर। तो इधर धर्मेंद्र जी है अपना, मसूद अहमद जी है बीएसपी, किधर जा रहे हो? सर अब जहाँ तक देखा जाए तो सबका अपना अपना अधिकार है, जो अपना वोट का अधिकार है, तो मेरा तो एक बदलाव का और अधिकार है, जो मेरा इंडिया गठबंधन है उसके ओर मेरा झुकाव जाएगा सर। आप क्यों इंडिया गठबंधन में? यहाँ तो सब बसपा बसपा कर रहे थे। नहीं सर, सबका अपना अधिकार है, संविधान में सबको समान अधिकार दिया हुआ है, सबका वोट का अधिकार है, उस तरह मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि केंद्र में बदलाव हो। क्योंकि बीएसपी जो पार्टी है, पहले सपोर्टर थे, ऐसा नहीं है कि सपोर्टर नहीं है, लेकिन अब मुझे भी नहीं लग रहा है कि आएगी, जो जीत रहा है उसको वोट दिया जाए, बदलाव किया जाए, बीजेपी का हराना आपको मेन मकसद है। और जो कांग्रेस आ रही है वो बोल रही है भाई अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख रोजगार के साथ आ रही है, जो काफ़ी अच्छे हद अच्छी है। थैंक यू। हाँ जी बताइए। अरे नाम तो पता नहीं, शिव कुमार नाम नाम है सर। क्या नाम है? शिव कुमार। क्या करते हो? मैं प्रदेश में कमाता हूँ छोटा मोटा रोजगार, छोटा मोटा रोजगार करके। अच्छा, रोजगार करते हो, कैसे रहे रोजगार के लिए 10 साल? कुछ मदद वदद मिली? 10,000 रुपये भी दे रहे भाई रोजगार वालों को? रोजगार वालों को क्या सर, अभी फिलहाल तो छोटे मोटे बिजनेस वालों का तो बहुत बेकार हाल हुआ है 10 सालों में, जो कांग्रेस में राज में जो सभी सुखी थे। अच्छा, सभी बढ़िया। हाँ, देश के हित में तो थोड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल छोटे मोटों के लिए कुछ बड़े बिजनेसमैन को फायदा हुआ है, हमको तो कुछ हुआ नहीं सर। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। चुनाव में क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ? चुनाव में यहाँ का दो ही चीज़ का है, यहाँ ऐसे भी या तो इतना सपा और बीएसपी का दो ही है, आजमगढ़ से कुछ है। अच्छा, इसी में तो की है बीजेपी का कुछ, तो यहाँ से कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। आपका कहाँ है दोनों मत है? मेरा तो भाई बीएसपी है। अच्छा, बीएसपी है। क्या सर, हमारे खानदानी पार्टी है। लेकिन बहन जी तो कम बाहर निकल रही, क्या लग रहा है? नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो है बीजेपी की तरफ तो हमारा कभी गया नहीं है। अच्छा, तो हम अपने में ही सुखी हैं हमारा। अच्छा। हाँ सर जी, क्या बात, क्यों नाराज से हो रहे थे? नहीं, नाराज नहीं हूँ सर, मैं जेनिस बोल रहा हूँ सर, नाराज नहीं हूँ, बस इसी बात से मैं नाराज हूँ कि बीजेपी वाले हैं जो भाषण देते हैं, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बस खाली राम मंदिर, जहाँ से देखो वहाँ से राम मंदिर। अरे हम लोग जब छुट्टी जाते कि कभी इनको सोचना चाहिए, और हम ही लोग से ये लोग वोट जिनको मिलता है, हमें हमारे ही ओर से ये लोग पीएम सीएम जो भी बनते हैं बनते हैं, लेकिन ये लोग हमको जब वोट मिल जाता है तो ये लोग हमको भूल जाते हैं। अच्छा जी, और भूल जाएंगे फिर बाद में जब चुनाव का समय आएगा, आएंगे अपना जो है ब्यौरा फैलाएंगे, जाल बनाएंगे, इसको कहो सपोर्ट करो, ये करो वो करो, करने को सब कुछ कहेंगे। जब हमारे यहाँ से मिल जाएगा उसके बाद कोई झांकने आता नहीं है। देखो हमारे यहाँ का पुल जो बना ऐसा है, उधर का रोड है बेकार, पूरा पड़ा पड़ा है, गांव का कुछ विकास नहीं है, हमारा ही समस्या है। तो हो गया, कह रहे भाई वे बना दे बढ़िया, देश चांद देश चांद पर पहुँच गया। हाँ, मोदी पहुँचे थे चांद पे, मोदी जी फिर उनको उतारा गया, मत जाओ वहाँ पे, वहाँ चले जाओगे बहुत तकलीफ होगा हम लोगों को, जमीन पे ही रहो ठीक है वो, लेकिन कुछ काम के है नहीं। अच्छा। जी हमारा जहाँ भी उठ जाएगा और अच्छी जगह जाएगा, जो आगे काम करेगा उसको हम अपना वोट देंगे। बस पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार भी बसपा में था, इस बार भी हम बसपा में ही जाएंगे। अच्छा। जी जीत जाएगी इधर से, अब देखो जीते या ना जीते, हमारा तो भाई बसपा ही है। अच्छा। जी अर्जुन कह रहे हैं 400 पार कर रहे, संविधान बदला जाएगा? 400 पार कर रहा है अब नहीं बोल रहा है, पहले बोला था 400 पार,
लेकिन अब नहीं बोल रहा, अब तो कुछ मैं सुन ही नहीं रहा हूँ उसके मुँह से। अच्छा, कि घबरा गए क्या मालूम, घबरा है कि नहीं घबरा है, लेकिन मैं तो नहीं सुन रहा हूँ, खाली बाकी जो उनके छोटे छोटे नेता लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन कभी हमने तो नहीं सुना 400 पार बीच में सुना था, अभी तो नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा, जी तो भाजपा में जा रहे बिल्कुल भी नहीं, भाजपा में चिंता नहीं है देश की? देश की तो चिंता है, भाजपा जैसी सरकार रहेगी तो चिंता रहेगा। वो तो और देश को बेकार करके रख दिया है। मोदी ने अपना घर छोड़ दिया, घरवाली छोड़ दी। मोदी तो खुद भगोड़ा आदमी है, वो तो कुछ सब कुछ छोड़ के जाए घूम रहा है ना, तो मोदी तो खुद उसका क्या है, वो कभी बोलता है झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। फकीर आदमी झोला, फिर वो फकीर है। पकड़ लियो जी, फकीर बन। आ जी, आ जाइए इधर थोड़ा सा, बेहतर आ रहा। हाँ जी, क्या नाम? दीपक कुमार सर। कुमार जी क्या करते हो? सर डिप्लोमा बीटी से करते हैं सर। रोजगार की बात की जाए तो बीजेपी सरकार में बिल्कुल रोजगार नहीं है जी। 2 करोड़ तो कह रहे हैं, दे रहे हैं हर साल 2 करोड़ कर रहे हैं, ये झूठे वादे करते हैं वो हमेशा, और कभी ये पूरा करते नहीं हैं। अच्छा, पक्के ये झूठे वादी हैं। अच्छा, आप बताइए यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल और जो है स्कूल की अगर बात करें, यहाँ आसपास कितनी दूर स्कूल है? अच्छा, हमारे गांव से संस्था जो सर गवर्नमेंट संस्था जो है दूर है, पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हैं, और संस्था जो है आजमगढ़ की तरफ, हमारी सिटी यहाँ 30 किलोमीटर पड़ता है। यस सर, प्राइवेट की तो बहुत फीस महंगी होगी। यस सर, पढ़ा पाते हैं लोग यहाँ पर? सर ज़्यादातर लोग तो इस गांव में, ज़्यादातर लोग 100% में से 20% लोग शिक्षा के मामले में लोग शिक्षित हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी वजह से स्कूल दूर होने की वजह से? यस सर। और सर बीजेपी जो एक जो है बुक जो है इस पर तो 18% सबसे महंगा GST इन्होंने लागू कर रखा है, बुक पे तो इतना होना नहीं चाहिए GST, कम से कम सर इस पर 10% 5% हम लोग जाते हैं किताब खरीदने, बुक खरीदने, हमको जो है 150 की बुक 300 में 400 में मिलती है, ऐसा नहीं। यस सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। और शिक्षा तो टैक्स मतलब फ्री होनी चाहिए किताब, क्या? यस सर, बुक पे तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बुक पे तो सर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। तो सरकारी नौकरी के लिए कितनी बार अप्लाई किया आपने? सर सरकारी नौकरी के लिए हमने तो 3-4 बार अप्लाई किया है, SSC के जरिए में किया सर। और यूपी पुलिस में? कौन से यूपी पुलिस की भर्ती सर? उसमें पुलिस तो 3 बार जो किया तो निराशी हाथ लगी? यस सर। ऐसा क्यों, तैयारी करते हैं? नहीं, तैयारी करते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा थोड़ा सा। हम अभी आजमगढ़ लोकसभा सीट के गांव जोकरा में थे, जोकरा गांव में हमने यहां जो है दलित समाज के लोगों से बात करी। ज़्यादातर जो है भाजपा के काम, ज़्यादातर जो है लोग जो है भाजपा के कामकाज से नाराज है, कहीं रोज़गार के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, सभी ने अपनी राय रखी। जुड़े रहे CC के साथ, UP से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।